आज इस वीडियो में मैं आपको रामधारी गुप्ता खंड एक से प्रतिलेखन संख्या 38 की डिक्टेशन बोलने जा रहा हूँ, जिसकी स्पीड होगी 60 शब्द प्रति मिनट। ये डिक्टेशन आपकी स्पीड को बढ़ाने में मदद करेगी। इस डिक्टेशन में आपको एडवांस आउटलाइन भी मिल रही है। एडवांस आउटलाइन के साथ साथ आपको डिक्टेशन भी दी जाएगी। पहले आप एडवांस आउटलाइनें देखिए, उनको बनाने का प्रयास कीजिए, उसके बाद में आप डिक्टेशन लिखिए। यदि इसके बाद भी आप लोगों की स्पीड नहीं बन पा रही हो और गलतियाँ अधिक आ रही हैं, तो आज ही आप हमारी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासें सुबह और शाम दोनों समय चलती है। चाहे आप अभी स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हो या रिपोर्टर की, सभी के लिए हमारे यहाँ क्लासों की व्यवस्था है। मैंने एडवांस आउटलाइन की बुक तैयार की है, उनको आप ले सकते हैं। बुकों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बुक खरीदने पर आपको 5 दिन की फ्री ऑनलाइन क्लास दी जाएगी, और यदि आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करते हैं तो आपको 1 बुक फ्री दी जाएगी। रामधारी गुप्ता खंड 1 और खंड 2 को लिखने में आपको कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है, तो मैंने इनकी एडवांस आउटलाइन की बुक तैयार की है, इनको पूरा ट्रांसलेट किया है शॉर्ट हैंड में। अगर आपको रिपोर्टर वाली एडवांस आउटलाइन की बुक चाहिए, वह भी आपको मिल जाएगी स्पीड बढ़ाने के लिए। और यदि आपको कोर्स से संबंधित डिक्टेशन या उनकी एडवांस आउटलाइन की बुक चाहिए, तो वह भी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। शॉर्ट हैंड संबंधी अधिक जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कैसे बुकों को परचेज करना है और कैसे क्लासों को ज्वाइन करना है। तो अब मैं आपको रामधारी गुप्ता खंड 1 से प्रतिलेखन संख्या 38 की डिक्टेशन बोलने जा रहा हूँ, जिसकी स्पीड है 60 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन लिखने के लिए आप लोग तैयार रहें। रेडी। उपाध्यक्ष महोदय, उसमें हमने साफ साफ कहा था कि जो गरीब वर्ग है, जिसकी गरीबी के बारे में सभी जानते हैं, उसको देश की आमदनी का जो औसत है वह अवश्य ही मिल जाएगा, और इस दिशा में हमारा प्रयत्न जारी रहे। हमारा जो बजट है, उसको जब तक अपनी आर्थिक व्यवस्था या अपने विचारों के अनुसार नहीं आंकेंगे, तब तक उस ध्येय की पूर्ति नहीं हो सकती। यदि इस दृष्टि से अपने बजट को देखते हैं, तो हम इसे ना अधिक और ना कम नंबर दे सकते हैं। मेरी प्रार्थना यह है कि सरकारी या सरकार जिन संस्थाओं को सहयोग देती है, उन्हें आदेश दिया जाए कि वे देश की उन्नति का विचार करें, परंतु खाने की पुष्टि देकर नहीं। यह कार्य शीघ्र से शीघ्र होना चाहिए। इसका कारण यह है कि उच्च श्रेणी आम जनता का आदर्श होती है, और जो कुछ उच्च श्रेणी के लोग करते हैं, उसकी नकल कनिष्ठ श्रेणी के लोग करते हैं। इसलिए यह काम पहले उच्च श्रेणी पर हो जाए, तो आम जनता पर उसका प्रभाव अवश्य गहरा पड़ेगा। पैराचेंज। सप्ताह में 2 बार भोजन छोड़ने का जो मेरा सुझाव है, इससे न केवल अनाज वरन ईंधन तेल कोयला आदि सब की बचत होगी। भोजन छोड़ने के अलावा अन्न बचाने का और भी एक तरीका है।
वह भी सामूहिक सामाजिक श्रेणी पर किया जा सकता है। जानते हैं कि इस देश में 10% अन्न कौन खराब करता है? कीड़े, पंछी, बंदर और बोरियां ठीक न होने से अनाज गिर जाता है और मिट्टी में मिल जाता है। यह विचारणीय है, इस प्रकार 80 लाख टन बर्बाद होने वाले अन्न को बचाया जाए तो भारतवर्ष को किसी भी देश से अन्न की भिक्षा मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। श्रीमान, यह अपराध कबूतरों, बंदरों, कीड़ों आदि का नहीं है। यह अवश्य ही हमारा अपराध है। आज तक विदेशों से हमको अनाज मिलता रहा है, इसलिए हम लापरवाह थे, इसीलिए अनाज का विनाश होता रहा। परंतु अकाल पड़ेगा, जैसा कि इस वर्ष पड़ा है, तभी हम जागें तो यह ठीक नहीं है। हमें अन्न के नाश को रोकने की सतत कोशिश करनी चाहिए। उसकी बचत करना हमारा परम कर्तव्य है। यह काम हर किसान, बच्चा और युवक कर सकता है और उन्हें करना चाहिए। अन्न बचाने की समस्या केवल कानून के जरिए हल नहीं होगी, यह बात भी सामाजिक चेतना पर निर्भर है। फुल स्टॉप। तो दोस्तों, ये थी 60 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य भेजिएगा। शॉर्ट हैंड संबंधी अधिक जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कैसे बुकों को परचेज करना है, कैसे क्लासों को ज्वाइन करना है। आशा है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि जब भी कोई नया नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले आप उसको देख सकें।